बारिश की चंद बूंदों ने खोली प्रशासन की पोल। बारिश की चंद बूंदों ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। इसकी शिकायत ठाकुर हरवान सिंह मेले की तैयारियों को लेकर की जाने वाली प्रशासन की मीटिंग में की थी, मगर प्रशासन के आला अधिकारियों ने ठाकुर हरवान सिंह को धमकाकर बैठा दिया। मगर मेले से पूर्व बारिश की चंद बूंदों की प्रशासन की तैयारियों पर पानी फेर दिया है। हम आपको पूरा मामला बताते चले। यह जल भराव कहीं और का नहीं, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित आनेर का है, जहाँ से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु नंगे निकलते हैं। वहीं प्रति महीने उनकी तादाद लाखों में पहुंच जाती है। अगर हम बात करें गुरु पूर्णिमासी की, तो वह तादाद करोड़ों तक पहुंचती है। उन श्रद्धालुओं को पानी में होकर निकलना पड़ता है, मगर अभी तक प्रशासन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। राजकीय मेला कुछ दिन बाद शुरू होने जा रहा, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो हजारों श्रद्धालु इस जल भराव के कारण चुटैल होते हुए नजर आएंगे। जब मीडिया की टीम ने स्थानीय महिला से बात की तो उसने बताया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु पानी में गिर जाते हैं तथा घायल हो जाते हैं। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से कर दी गई है, मगर अभी तक इसका और कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। अब देखना यह है, क्या गुरु पूर्णिमासी मेले से पूर्व इस समस्या का समाधान होगा, या फिर श्रद्धालु इस समस्या से जूझते हुए अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे, यह तो बस समय ही बताएगा। क्या नाम है आपका? मसला। कहाँ की निवासी हैं? आनोर के। ये जैसा कि परिक्रमा मार्ग में जल भराव हो रहा है, काहे के कारण हुआ है? जब नाली ना पाली जैसे ठाड़े रहे परदेसी और गिरे बेचारे, जामे धड़ी धड़ यात्री गिर जाते हैं। और यात्री गिर जाए, नालो ही ना बनो, पानी निकासी ना आए। तो ये काय का पानी है? ये गांव का पानी है या फिर बरसात को ऐसे ही भर जाए? बरसात तो कितने घंटे बारिश आई है? ज्यादा ना भाई, नेगती भर जाए। तो अभी गुरुपुर मासी आ रही है, अभी अधिकारियों ने सर कोई ना जाके सुनवाई ना कर रहो, खूब पानी भर रही है। आगे तक है दो तीन जगह आ रही है पानी, घोट घोट पर दे गिर जाए बेचारे पानी में, कहो पाम टूट जाए, कहो कछु हो जाए, हम सुनवाई का करवा कर रहे। आपने इसकी पहले भी शिकायत की होंगी? और का खूब नेटन पर छोड़ दियो,